अजीत वेब टीवी देख रहे दर्शकों प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड तो इस टाइम जो आप गल करिए मैं खड़ा ऑकलैंड के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्ते जितों अज एक वड्डा आप कह सकते हैं कि इतिहास लिखा जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट फस्ट टाइम है जी ऑकलैंड तो चंडीगढ़ जा रही है तो डायरैक्ट फ्लाइट है। जिमें बहुत देर तो यह पहला मंग भी चल रही है कि ऑकलैंड तो दिल्ली लिए फ्लाइट्स डायरैक्ट होनिया चाहिए भावें कि यह वो मंग का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये वो फ्लाइट है जी बंदे भारत मुहिम के तहत ऑकलैंड आई सी दिल्ली तो न्यूजीलैंड के जेडे अपने भारतीय पंजाबी स्टक होए हुए हैं उन्होंने लेके वापस जा रही है तो ऑकलैंड तो यह फ्लाइट दिल्ली जाएगी तो दिल्ली तो यह अगे चंडीगढ़ लिए रवाना होगी। तो इस टाइम न्यूजीलैंड की जो आप गल करिए सवेर के तकरीबन 4 बज चुके हैं तो असी ऑकलैंड एयरपोर्ट पर हैं तो इस टाइम मेरे नाल खड़े ने ऑकलैंड दूतावास दफ्तर के मुखी भव ढिल्लों जी तो आप गल करते हैं भवदीप जी नाल। भवदीप जी बड़ा इतिहास इतिहासिक दिन आप कह सकते हैं कि ऑकलैंड तो पंजाब लई पहली बार फ्लाइट जा रही है की कहना चाहोगे? हाँ जी ये बड़ा खुशी का भी मौका हैगा कि इतों पहली बार फ्लाइट सीधी चंडीगढ़ जा रही है पर एक बड़ा टेस्टिंग एंड ट्राइंग टाइम भी है ग्लोबल पेंडेमिक हैगा सो मिक्सड फीलिंग्स है पर अपने जोड़े लोग इतने काफ़ी देर तो फसे हुए थे उन्होंने घर जाते देखते उन्होंने शक्लों पर खुशी देख के अपन भी खुशी होंगी है जी। बिल्कुल जिमें आप गल करिए कि इस टाइम जो न्यूजीलैंड भारती स्टक होए हुए हैं तो उन्होंने लेके ये सैकेंड फ्लाइट आ जी वापस जा रही है इस तो पहला एक फ्लाइट जा चुकी है जी दिल्ली गई सी तो अज की फ्लाइट जिमें पहला ऐलान किया कि स्टेट वाइज फ्लाइटा जाएगियाँ तो ये चंडीगढ़ जा रही है तो होर अगे की प्लैन है? अगे भी साड़िया काफ़ी फ्लाइट्स है उन्होंने डिटेल साढ़े जोड़े वेलिंगटन ऑफिस तो परमजीत जी आए हुए ने वो देंगे उन्होंने इन्हों की ज़्यादा डिटेल हैगी है पर आने वाले दिन होर भी काफ़ी फ्लाइटा है। ठीक है अज वाली फ्लाइट जिम्मे चंडीगढ़ जा रही है ये मोस्टली पंजाब के बंदे हैं ज किस तरह इन मैनेज किया गया? हाँ जी मोस्टली पंजाब के बंदे हैं प्रायोरिटी उन्होंने सी बट कई किसी का जिदा कोई अर्जेंट इशू हैगा उन्होंने इंडिया पहुँचना जरूरी हैगा तो उन्होंने भी ये किया गया जी। ओके सो ये जिमें भवदीप जी ने दसिया कि जी मोस्टली फ्लाइट के पंजाबी हैं जोड़े वो जा रहे हैं जिन्हें पहल के आधार पर सारियां जी टिकट्स वो अलाउट की गई एयर इंडिया वालों दती गई तो भव जी जिमें गल की है कि पंजाबी मोस्टली ये जा रहे हैं तो अगे उन्होंने जोड़ा रहन सहन का वो भी थोड़े को कुछ है जो भारत जाके पता लगेगा? वो वैसे सारे इनो असी इन्हों SOP शेयर किया हुआ सो उत्थे जाके स्टेट वाइज ही अरेंजमेंट हैगा ताई फ्लाइट स्टेट वाइज हैगियां ते उत्थे जाके जिद्दां सारियां नूं पता है क्वारंटीन होगा पर जिहड़ियां डिटेल्स हैं उत्थे पहुँच के उन्होंने दित्तियां जाणगियां चॉइसिस होणगियां कित्थे जाना किदां करना। तो किन्ने भारती जां पंजाबी इस फ्लाइट 'च जिहड़े अज जा रहे हैं? इत्थे फुल फ्लाइट है जी जिहड़ी करंटली सो अबाउट 200 to 220 के लोग करीब लोग इस फ्लाइट से है। ओके जिमें भारत सरकार वालों कहा गया सी कि विच एक जिहड़ी सीट आ वो छड्डनी है तो वो सारे रूल इहदे च भी फॉलो होणगे? हाँ जी जिहड़े जो रूल हैगे आ वो फॉलो होणगे वो एयर इंडिया का कम हैगा सो एयर इंडिया नूं साडे नाल वध एविएशन रूल्स का पता हैगा ते दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल जी। ओके शुक्रिया भवदीप जी तो इतने मैं नाल दी नाल दसदा जावां कि मेरे नाल इस टाइम खड़े ने वेलिंगटन जिहड़ा मेन दफ्तर है मेन अपनी अंबैसी है इंडिया की उहदे सैकंड सैकटरी परमजीत सिंह जी। परमजीत जी पहला अजीत वैब टीवी का स्वागत है। धन्यवाद जी तुहाडा बहुत बहुत सत श्री अकाल सब नूं। तो तुसीं मैनूं इह दस्सो पहलां तां जिवें फ्लाइट एक दिल्ली जा चुकी है सैकेंड चंडीगढ़ चली है तो इस तों बाद कितनियां होर फ्लाइट्स आ जिहड़ियां भारती जिहड़े स्टक होए हुए हैं न्यूजीलैंड दे विच उहनां नूं लै के वापस जाणगियां? देखो जी वंदे भारत मिशन दे विच टोटल 9 फ्लाइटा हुण तक अनाउंस हो चुकियां ने जिहड़ियां न्यूजीलैंड आईयां ने आ रहीयां ने जिहदे विचों अज दूजी फ्लाइट चली वे। पहली फ्लाइट जिस तरह तुसीं कहा कि 7 तरीक नूं इत्थों गई सी ते अज दी फ्लाइट जिहड़ी ओह चंडीगढ़ जा रही है दिल्ली होंदे होए ते इस तों बाद साडे कोल 7 फ्लाइटा होर ने। ओके हाँ जी एक कल जाएगी जिहड़ी दिल्ली होंदे होए अहमदाबाद जाएगी ते उस तों बाद फिर एक एक दिन दे गैप विच 20, 22, 26, 28 ते 30 तो हुण साडे कोल काफ़ी फ्लाइटा ने असी उम्मीद करते हाँ कि काफ़ी लोगों नूं असी उहदे विच भेज पावांगे। ओके तो इस टाइम किन्ने भारती हैं जिहड़े इत्थे स्टक हो चुके हैं तो उन्हां दा तुसीं जिवें रजिस्ट्रेशन लई सी ते कोई डाटा है तुहाडे कोल कि किन्ने वापस जाना चाहुंदे किन्ने रजिस्टर होए सी? बिल्कुल है जी जिस तरह ही यह समस्या शुरू हुई सी फरवरी विच असी बड़ी जल्दी एक लिंक इशू किया सी अपनी वैबसाइट ते और सोशल मीडिया ते सबनूं
किया सी कि रजिस्टर करो साढ़े नाल जिन्हों जिहड़ी भी समस्या हो रही है तो लगभग 3,000 लोगों ने साढ़े नाल रजिस्टर किया सी ते उहदे विच्चों काफ़ी अलग अलग तरह दी उहनां दीआं समस्या सी कोई स्टूडेंट आया होया सी किसी नूं पैसे की दिक्कत है किसी नूं रहन दी थां नहीं मिल रही तो इस तरह अलग अलग समस्या सी ते बट मेरा अंदाज़ा वे कि उहदे चों कोई 2,000 दे लगभग लोग होने ने जिहड़े इंडिया जाना चाहणगे इन्हां फ्लाइटां ते ओके तो जिस तरह इतने जो स्टक हो गए सी कुछ नूं तुसीं होटल च रहण लई है ना रूम मुहैया करवाए हैं या ग्रोसरीज वगैरह दित्तियां तो वो किस तरह सारा मैनेज होया उहदे बारे भी दिओ जी। देखो जी उहदे विच मैं काफ़ी आभार दवांगा कि जिहड़ी साडी इत्थे NGO ने इंडियन कम्यूनिटी एसोसीएशन ने साडे ऑनररी कौंसल पाव ढिल्लो जी जिहदे नाल हुणे तुसीं गल कर रहे सी इन्हां सब दे सहयोग नाल जीत सचदेव जी इन्हां ने बड़ी मदद कीती है तो सब नाल मिलजुल के यह काम सफल हो पाया कि असी इन्हां लोगों नूं इन्ने दिन इत्थे रख सके हाँ और अज वापस घर भेज रहे हैं तो एक कलैक्टिव एफर्ट होया वे हाई कमीशन की तरफों असी काफ़ी लोगों नूं फूड वाउचर डिस्ट्रीब्यूट किते उस तरह मदद की ते होर संस्थावां ने गुरद्वारियां ने ते सब अगे आए ते यह काम सफल हो पाया। ओके तो आप जिमें काफ़ी देर तो यह मंग चली आ रही थी कि भारत लई डायरैक्ट फ्लाइट चाहे एयर न्यूजीलैंड की होवे जां एयर इंडिया की होवे वो शुरू होनी चाहिए है तो इस तो पहला एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट भी इंडिया गई सी ते न्यूजीलैंडर्स नूं वापस लेके आई सी ते हुण एयर इंडिया दीआं फ्लाइट्स ते काफ़ी ज़्यादा ने ते आपां कह सकदे हां कि चंगी गल भी आ इहे कि डायरैक्ट फ्लाइटां जिहड़ियां उह शुरू होईआं ते आने वाले समय में आपां उम्मीद कर सकदे हां कि इह फ्लाइटां कंटिन्यू हो सकदीआं जां कि इहदे लई तुसीं कुछ कर रहे हो। देखो जी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ प्योरली अ कमर्शियल डिसीजन एयरलाइनस ने डिसाइड करना वे जे उहनां नूं इत्थे काफ़ी सारे बंदे मिलनगे जिहड़े उन्हां दी मार्केट मिलेगी उन्हां नूं इत्थे ते ओह जरूर इहदे विच इंट्रस्ट लैणगे असी अपनी तरफों सजेशन उन्हां नूं कन्वे कीती वे ते इह हुण आने वाले दिनां च क्लीयर होएगा कि किस तरह उन्हां नूं हिसाब किताब उन्हां दा बनदा है। शुक्रिया परमजीत जी बहुत तुसी जानकारी दिती ते इत्थे ही मैं सारयां नूं इह वी दसदा जावां कि बहुत गिणती जिहड़ा भारतीय भाईचारा न्यूजीलैंड च बस रहा उहनां दी बहुत देर तो यह मंग आ कि न्यूजीलैंड तो इंडिया लई जिहड़ी डायरैक्ट फ्लाइट आ उह शुरू होनी चाहीदी है ते इह मंग आउण वाले दिनां विच पूरी हुंदी है जां नहीं हुंदी इह आउण वाला समां दस्सेगा पर फिलहाल इक चंगी खबर इह जरूर है कि न्यूजीलैंड दे विच करोना दौरान जिहड़े स्टक होए हुए भारतीय आ उहनां नूं वापस लैके जाण लई जिहड़ी इह फ्लाइट स्पैशल फ्लाइट्स आ उहनां दा प्रबंध कीता गया ते उह रैली दे तहत अज स्टेट वाइज जी दूजी फ्लाइट चंडीगढ़ लई इतों जा रही है इस तो पहली फ्लाइट है जी दिल्ली गई सी ते आने वाले दिनों में वख वख स्टेटा लई जिहड़ियां डायरैक्ट फ्लाइटा ऑकलैंड तो एयर इंडिया दीआं जाणगीआं ते मैनूं हुण इस टाइम दिओ इजाज़त तुसीं देखते रहो अजीत वैब टीवी धन्यवाद शुक्रिया सति श्री अकाल। देश दुनिया ते करोना महामारी का असर इस जरूरी है कि तुहानूं मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब आप नहीं तां पहुंचेगी साड़ी वीडियो कॉल अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।